दोस्तों, अगर आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी को देते हैं और आप एक बेहतरीन गाड़ी चाहते हैं जो आप और आपकी फैमिली के लिए बेहतर सेफ्टी प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ रिलायबिलिटी और माइलेज में भी ठीक ठाक हो, तो इन सभी गाड़ियों में आपके कंफर्ट के लिए एक गाड़ी हो सकती है जो कि सेफ्टी के साथ साथ अच्छा कम्फर्ट भी दे। नंबर 10 पर आ जाती है रेनॉल्ट की काइगर। इसने ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार रेटिंग के साथ अच्छा स्कोर किया हुआ है और जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से इस गाड़ी ने इंडियन मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना ली है। इसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 100 BHP और 160 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अगर इसके एक शोरूम प्राइसेस की बात की जाए तो ₹6 लाख से लेकर 10.62 लाख रुपये तक की देखने को मिल जाती है। नंबर 9 पर आ जाती है निसान मैगनाइट। इसमें भी ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार रेटिंग के साथ अच्छा स्कोर किया हुआ है और ये एकमात्र ऐसी निसान की गाड़ी है जब से लॉन्च हुई है तब से अपने सेगमेंट में हिट हो गई थी। इसमें आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 73 BHP और 96 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और अगर इसके एक्सोरूम प्राइसेस की बात करें तो ये आपको 5.97 लाख से लेकर 10.79 लाख तक की मिल जाती है। नंबर 8 पर आ जाती है टाटा की ओर से उनकी दो गाड़ियाँ जो कि बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई हैं, टाटा टियागो और टाटा टिगोर। पहले टाटा टियागो के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन में भी मिल जाता है जिसमें आपको 86 BHP और 113 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अगर आपके इसके एक्सोरूम प्राइसेस के बारे में बात करें तो ₹5.4 लाख से लेकर 7.55 लाख तक की मिल जाती है। और वहीं अगर टाटा टिगोर के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको सेम इंजन ऑप्शन और सेम पावर के साथ मिल जाती है। और अगर सेफ्टी की बात की जाए तो हर कोई जानता है कि टाटा की गाड़ियाँ कितनी मजबूत होती हैं। इन दोनों गाड़ियों ने ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार रेटिंग के साथ अच्छा स्कोर किया हुआ है। नंबर 7 पर आ जाती है रेनॉल्ट की दूसरी गाड़ी जिसने ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार रेटिंग के साथ अच्छा स्कोर किया था। ये आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन में मिलती है जिसमें आपको 71 BHP और 96 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और अगर इसके एक्सोरूम प्राइसेस की बात करें तो ये आपको ₹5.9 लाख से लेकर 8.5 लाख तक की मिल जाती है। नंबर 6 पर आ जाती है मारुति ब्रेजा और इस गाड़ी ने भी ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार की अच्छी रेटिंग के साथ स्कोर किया हुआ है और केवल ये ही एक मारुति की गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार स्कोर किया हुआ है। ये आपको 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन में देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 101 BHP और 137 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और इसके एक्सोरूम प्राइसेस ₹7.99 लाख से लेकर ₹13.96 लाख तक की मिल जाती है। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे सुरक्षित गाड़ी जिन्होंने 5-स्टार रेटिंग के साथ बेहतरीन स्कोर किया हुआ है। नंबर 5 पर आ जाती है टाटा एल्ट्रो जो कि एक हैचबैक है और इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग के साथ बेहतरीन स्कोर किया हुआ है। और ये गाड़ी आपको 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 85 BHP और 113 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और वहीं दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसमें आपको 88 BHP और 200 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और अगर इसके एक्सोरूम प्राइसेस की बात की जाए तो ₹6.35 लाख से लेकर 10.25 लाख तक की मिल जाती है। नंबर 4 पर आ जाती है टाटा की अगली गाड़ी टाटा पंच। इसमें भी ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग के साथ स्कोर किया हुआ है। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जिसमें 84 BHP और 113 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। एक्स शोरूम आपको ₹6 लाख से लेकर 9.54 लाख तक की मिल जाती है। नंबर 3 पर आ जाती है वोक्सवैगन पोगोलो। ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी ने 5-स्टार रेटिंग के साथ अच्छा स्कोर किया हुआ है। इस साल 2023 में इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है। लगभग एक्स शोरूम प्राइसेस के साथ ये आपको ₹8 लाख तक के बजट में देखने को मिल सकती है। नंबर 2 पर आ जाती है महिंद्रा XUV300। ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी ने 5-स्टार रेटिंग के साथ स्कोर किया हुआ है और ये गाड़ी पहली गाड़ी बनी थी जिसने चाइल्ड सेफ्टी में भी अच्छी रेटिंग के साथ स्कोर किया था। ये आपको 2 इंजन ऑप्शन में मिल जाती है, एक है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 128 BHP और 230 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, और दूसरा 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जिसमें आपको 115 BHP और 300 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और अगर इसके एक्सोरूम की बात करें
तो रुपीज़ 8.4 लाख से लेकर 14 लाख तक के बजट में देखने मिल जाती है। और अगली और नंबर वन पर आ जाती है इंडिया की सबसे पहली 10 लाख रुपए तक की बजट वाली गाड़ी, जिसने ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग के साथ बेहतरीन स्कोर किया था। और अगर देखा जाए तो हर महीने 10 से 12 हज़ार यूनिट इसकी आराम से बिक जाती है। और अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये आपको 2 इंजन ऑप्शन में मिल जाती है। पहला 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 118 bhp और 170 nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको 108 bhp और 260 nm का टॉर्क देखने मिलता है। और इसके एक्सोरूम प्राइसेस की बात करें तो रुपीज़ 7.7 लाख से लेकर 14.18 लाख तक की मिल जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस गाड़ी पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।